हेलो हेलो, स्वागत है आपका और एक मैच एनालिसिस वीडियो में। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस प्रीति जिंटा की किंग्स इलेवन पंजाब। दोनों धमाकेदार टीम्स, 25 बार दोनों टीम्स ने एक दूसरे के सामने मैच खेला है, जिसमें से डोमिनेटिंग 17 बार कोलकाता नाइट राइडर्स और सिर्फ 8 बार किंग्स इलेवन पंजाब ने मैचेस जीते हैं। पंजाब इस सीजन में बहुत ही अच्छी टीम है, देखे तो बड़े प्लेयर्स है टीम के पास, प्लेयर्स हर मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं पर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है किंग्स इलेवन के लिए कल, क्योंकि अगर कल का मैच पंजाब हारती है तो उसके बाद के सारे मैचेस डू और डाई हो जाएंगे पंजाब के लिए। अबू धाबी पंजाब का होम ग्राउंड है, 170-180 एवरेज स्कोर है और कमबैक अगर करना होगा पंजाब को तो कल अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं सारे व्यूज से बताना चाहूंगा कि नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक पे हमें इसलिए जुड़िए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैच स्टार्ट होने से पहले लास्ट मोमेंट पे टीम अपनी टीम में चेंजेस करती है, किसी नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस करती है या किसी पुराने प्लेयर को रिप्लेस करती है। ऐसी कंडीशंस में टेलीग्राम में हम आपसे रियल टाइम में जुड़ पाएंगे और हम आपको देंगे रियल टाइम ऑल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर दी प्लेयर। अभी जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम में और पाइए लास्ट मोमेंट तक क्रिकेट और ड्रीम इलेवन टीम अपडेट्स। शुरू करें अगर विकेट कीपर से तो सबसे पहला नाम दिनेश कार्तिक, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। एनालिसिस की पर्सपेक्टिव से आपकी टीम में डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, वो खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। बैटिंग में अब दी ऑर्डर भेजेंगे योन मॉर्गन को, आंद्रे रसल को, नीतीश राणा को, सो दिनेश कार्तिक नॉट अ गुड चॉइस फॉर योर ड्रीम इलेवन टीम। बात करें अगर केएल राहुल की, सुपर फॉर्म, कैप्टन इनिंग्स खेलते हैं, डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए विकेट कीपर की तरह। और निकोलस पुरन, व्हाट अ 77 रन्स नॉक इन द लास्ट मैच, क्या बड़े सिक्सेस खेले इस प्लेयर ने। वार्नर ने प्रेजेंटेशन में कहा था कि एक मोमेंट के लिए उन्हें लगा था कि अगर पुरान ज्यादा खेल गए तो डिफिकल्ट हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। बहुत ही अच्छे फॉर्म में निकोलस पुरन, डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। बैट्समैन की अगर बात करें तो केकेआर की तरफ से ओपनिंग करेंगे राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पंजाब को विकेट लेने में 35 ओवर लग गए थे, 20 ओवर्स चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एक ही विकेट नहीं मिली थी और 15 ओवर सनराइजर्स हैदराबाद को डाले थे, तब जाके पहली विकेट मिली थी। बॉलर्स काफी प्रेशर में है, ज्यादा परफॉर्म शायद नहीं करेंगे, तो ओपनिंग पार्टनरशिप केकेआर की बहुत ही अच्छी रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, बैट्समैन में राहुल त्रिपाठी, दो मैचेस खेले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, पहले मैच में 36 और दूसरे मैच में 81 रन्स किए थे। काफ़ी अच्छा फॉर्म है, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। शुभमन गिल की बात करें तो कंसिस्टेंट प्लेयर है, अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा गेम खेलते हैं और इंडियन टीम का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, आपकी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। योन मॉर्गन हालांकि चौथे पोजीशन में खेलने आते हैं लेकिन 5-6 ओवर बहुत है मॉर्गन के लिए, कितना भी बड़ा ग्राउंड क्यों ना हो, क्योंकि उनके सिक्सेस आराम से 80 मीटर्स 90 मीटर्स के होते हैं, तो आबू धाबी के ग्राउंड से योन मॉर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन की अगर बात करें तो है मयंक अग्रवाल। इन द लास्ट मैच हिज वाज एन अनफॉर्चुनेट रन आउट डिसमिसल, अदरवाइज ही वुड हैव डेफिनेटली वन इट फॉर हिज टीम। ही इज इन बेस्ट फॉर्म, ही इज इन बेटर फॉर्म देन इवन केएल राहुल, ब्रेक्स हिज ओन रिकॉर्ड इन एवरी मैच, अ बेस्ट पिक फॉर योर ड्रीम इलेवन टीम। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो बहुत ही बड़े नाम है कल की टीम के लिए, ग्लेन मैक्सवेल, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, जिमी निशम, बट इनमें से कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं है। किसी भी एक ऑलराउंडर ने धमाकेदार इनिंग्स नहीं खेली है इस सीजन में। इन चारों प्लेयर्स की बात करें तो आंद्रे रसल थोड़े बहुत फॉर्म में है और अच्छा खेलते हैं, हालांकि लास्ट मैच में आंद्रे रसल ने विकेट जरूर ली थी पर बैट से कुछ खास कमाल नहीं किया था, सिंगल डिजिट रन में आउट हो गए थे। तो एज एन ऑलराउंडर सिर्फ एक ही प्लेयर आपकी टीम में हो सकता है, वो है आंद्रे रसल, अदरवाइज ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में नहीं है, सुनील नारायण डेफिनेटली नॉट इन फॉर्म और जिमी निशम कुछ खास परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला है इस सीजन में। बोलर्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स बेस्ट प्लेयर टू लुक आउट फॉर द यंग प्लेयर इज अर्शदीप सिंह, बहुत ही यंग खिलाड़ी है, आईपीएल में सिर्फ एक मैच खेला है, जहां सारे बोलर्स कंफ्यूज हो गए थे वहां पे अर्शदीप सिंह ने दो विकेट्स लिए थे। 7.5 क्रेडिट्स में मिलने वाला आपको ये प्लेयर सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिला सकता है, तो अर्शदीप सिंह 7.5 क्रेडिट्स डेफिनेटली इन योर टीम। मोहम्मद शामी विकेट टेकिंग बॉलर है, किसी भी एक मैच में विकेटलेस नहीं रहे हैं, आपकी टीम में होने चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कंडीशन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती कंसिस्टेंट बॉलर, स्मार्ट बॉलर, अच्छी बॉलिंग करते हैं, कितने भी रन्स मिले एक विकेट तो डेफिनेटली लेते हैं, तो आपकी टीम में होने चाहिए। फिर दो ऑप्शन है आपके पास केकेआर की बॉलिंग कंडीशन से, नंबर वन शिवम मावी कंसिस्टेंट बॉलर रही हैं, हालांकि अच्छे बॉलर है, कुछ मैचेस में विकेट्स लिए हैं, कुछ मैचेस में विकेट नहीं लिए हैं, तो हम आपके छोड़ेंगे इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव शिवम मावी इन योर टीम। और दी सेकेंड ऑप्शन इज कमलेश नागरकोटी, so there we are going to leave it up to you, both the players are unpredictable, they can have their day।
सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन होने चाहिए आपकी टीम के कैप्टन? वी वुड लाइक टू सजेस्ट इट हैज टू बी मयंक अग्रवाल। पंजाब को अगर कल का मैच जीतना है तो किसी भी एक प्लेयर को एक एंड पे धमाकेदार बैटिंग करनी होगी, एंड वी थिंक टुमारो इज दैट डे ऑफ मयंक अग्रवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मयंक अग्रवाल को प्ले करना होगा और डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो वी थिंक इट हैज टू बी आंद्रे रसल, क्योंकि ऑलराउंडर है, हालांकि बैटिंग में ठीक ठाक रहे हैं इस सीजन में, लेकिन बॉलिंग में डेथ ओवर्स डालते हैं और विकेट्स लेने में भी कामयाब रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए आंद्रे रसल एज अ वाइस कैप्टन। कल के मैच का सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहाँ पे है क्रिस गेल? क्यों किंग्स इलेवन पंजाब क्रिस गेल को अपनी टीम में नहीं रख रही है ऐसे क्रिटिकल पोजीशन पे? यू नीड द बेस्ट आईपीएल प्लेयर क्रिस गेल। अगर टीम कोच की माने तो कुंबले ने कहा है कि फूड पॉइजन की वजह से लास्ट मैच क्रिस गेल नहीं खेल सके थे, और देर आर हाई चांसेस दैट ही माइट प्ले इन टुमारोज मैच। और यहाँ पे हम अपने सारे व्यूअर्स को एक बहुत ही बड़ी बात कहने वाले हैं, अगर क्रिस गेल आपकी टीम में खेलेंगे तो आप उसको डेफिनेटली निकोलस पुरन की जगह टीम में जगह दीजिए, लेकिन हम उनसे एक स्टेप आगे जाके आपको ये एडवाइस करेंगे, अगर आप चाहे तो क्रिस गेल को अपनी टीम का कैप्टन भी बना सकते हैं मयंक अग्रवाल की जगह, क्योंकि क्रिस गेल ऐसे खिलाड़ी है, पास्ट में हमने देखा है कि आरसीबी के लिए, केकेआर के लिए अपने आईपीएल के पहले मैच में भी सबके छक्के छोड़ा देने वाली इनिंग्स खेलते हैं। क्रिस गेल इज़ अ प्लेयर हु कैन बी वेरी वेरी डेडली अगेंस्ट एनी टीम, सो इफ इज़ इन द प्लेइंग 11 टुमारो हैव हिम इवन एज द कैप्टन ऑफ योर टीम। हम वहाँ पे आप पे छोड़ेंगे, इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव क्रिस गेल और यू कैन हैव मयंक अग्रवाल। सो दैट वॉज अवर ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड कीप फॉलोइंग www.sportsbet.in.